एक रेडियो शो है जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट एम। इंडिया की तरह मिर्ची बॉलीवुड ये सब टॉक्स नहीं, बल्कि ये एक इंटेलिजेंस और मिस्ट्री बेस्ड शो थी। इस शो में पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बात होती थी। इस शो में बहुत सारे रहस्यों के बारे में बात की जाती थी, पर सारे केसेस में से एक केस है जिसने मिस्ट्री लवर्स को हिला कर रख दिया। सबसे ज्यादा मिस्टीरियस केस एक होल यानी एक गड्ढे के बारे में था, और ये 1997 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। उस शो में एक इंसान आया जिसका नाम था मेल वाटर्स। उसने उस रेडियो के होस्ट को एक बहुत ही मिस्टीरियस गड्ढे के बारे में बताया जो कि वो ओन करता था। मतलब जितना जमीन का वो इंसान मालिक था, उस जमीन के अंदर ही वो गड्ढा आता था। मेल ने उस रेडियो शो में इस गड्ढे की कहानी को बताया कि 1980s में इस गड्ढे के आसपास के सारे लोग कचड़े को इस गड्ढे में डाला करते थे। ये जस्ट एक पिट था जिसमें गार्बेज डाला जाता था, जैसे पुराने फ्रिज, पुराने वेस्ट टायर्स एक्सेट्रा। और लोगों का ये मानना था कि ये होल बॉटमलेस था, यानी एक ऐसा गड्ढा जो कभी खत्म नहीं होता। क्योंकि नॉर्मली अगर आप किसी गड्ढे में कुछ फेंकोगे तब वो सब्सटेंस जब बॉटम को हिट करेगा तब आवाज आएगी, राइट? पर इसमें जब कुछ फेंका जाता था तब कोई आवाज नहीं आता था। ऐसा मानो कि वो अंदर जाकर सुनने में विलीन हो जाता था, और अगर कोई इंसान उसके तरफ फेस करके चिल्लाता भी था तो जो नॉर्मली एको आता है नॉर्मल गड्ढे में, पर नॉर्मल गड्ढे के अनलाइक इसमें कोई आवाज वापस नहीं आता था। लोगों ने कहा कि ये गेटवे टू हेल है, यानी नर्क का दरवाजा। फिर 1993 में मिस्टर वाटर्स और उनकी वाइफ ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया जस्ट इसकी मिस्ट्री को जानने के लिए, और उस टाइम ये उतना पॉपुलर भी नहीं था। मेल और उसकी फैमिली भी इस गड्ढे को एक गार्बेज बिन की तरह यूज करने लगी। धीरे धीरे वो भी सोचने लगे कि क्या ये गड्ढा सच में बॉटमलेस है, क्या इस गड्ढे का कोई अंत नहीं है। मिस्टर वाटर्स ने जो पहला काम किया वो ये कि उन्होंने एक फिशिंग रोप को इसके अंदर डाला, और डालकर रोप को अनवायर करते गए और नो मैटर वो कितना लंबा तार छोड़ देते थे, अंत कभी आता ही नहीं था। तार अंदर जाते रहता था। ऑफिशियली दुनिया का सबसे डीपेस्ट गड्ढा है कोला सुपर डीप वेरोल, और उसकी गहराई है 12 किलोमीटर इनटू द अर्थ। पर मिस्टर वाटर्स के हिसाब से वो 24 किलोमीटर तक का वायर इसके अंदर डाले थे, पर तब भी इसका कोई अंत नहीं दिखाई ने। ये देखकर मिस्टर वाटर्स को भी लगने लगा और उनको पूरा यकीन हो गया कि ये गड्ढा सच में सुपर नेचुरल है। वो ये भी नोटिस करते थे कि उनका कुत्ता इस गड्ढे से बहुत ज्यादा डरता था। कुत्ते नॉर्मली गड्ढों से डरते हैं, पर 10 मीटर दूर से भी अगर उस कुत्ते की नजर इस गड्ढे पर पड़ जाती थी तो वो लिटरली कपकपाने लगता था, और अगर वो उसको सामने ले जाते थे पकड़कर सेफ तरीके से भी, फिर भी वो दौड़कर वापस घर की तरफ चला जाता था। कुत्तों की एक्चुअली ज्यादा सेंसेस होती है इन पैरानॉर्मल चीजों को डिटेक्ट करने की, अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। ये सब देखकर मेल उस जगह के आसपास के गांव और शहरों के लोगों से पूछने लगे कि जो प्रॉपर्टी मैंने लिया है उसमें एक होल है, पर उस होल से एक अजीब वाइब आती है, क्या आप लोग इसके बारे में कुछ जानते हो। लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरीज बताई। एक इंसान ने ये कहा कि मेरा कुत्ता मर गया था और मैं उसके लाश को इसी गड्ढे के अंदर डंप कर दिया, पर एक दिन बाद वही कुत्ता एक रहस्यमय तरीके से मेरे घर के पास दिखा। उससे जब ये पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता कि वो कुत्ता तुम्हारा ही था, तो उसने कहा कि मैंने ए लेटर का बेल्ट जो लगाया था अपने कुत्ते में, वो कुत्ता भी बिल्कुल वही बेल्ट पहना हुआ था, और कलर और हाव भाव बिल्कुल मेरे कुत्ते जैसा ही था। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो मेरा ही कुत्ता है। तो क्या इस होल में ऐसी ताकत है कि वो मरे हुए जीव को भी जिंदा कर दे। यही सब एक्सपीरियंसेस के बाद मेल वाटर्स उस रेडियो शो में आए। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा, दुनिया को इस रहस्यमय होल के बारे में उन्होंने बताया। पर जब मेल ने इस गड्ढे के बारे में दुनिया को बताया, उसके बाद बहुत ही ज्यादा अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। एक सुबह मेल अपने होल के पास गए थोड़ी और रिसर्च करने के लिए, पर तभी दो काले कोट पहने लोग इनके घर पर आए और कहा कि अब तुम उस होल के पास कभी मत जाना, ये अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। पर जब मेल ने पूछा क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कुछ भी करूं, पर उन्होंने फिर मेल को कहा कि यहाँ पर होल के पास एक छोटा सा प्लेन क्रैश हुआ है, हम उसी के इंस्पेक्शन कर रहे हैं और घेर कर रहे हैं कि पब्लिक डिस्टर्ब ना हो जाए। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर को शिफ्ट कर लो और इस गड्ढे से दूर चले जाओ, और ये लैंड हमें दे दो कुछ अननोन रीजंस के लिए। पर मेल को कहीं ना कहीं अंदाजा था कि ये होल के लिए ही यहाँ आए हैं, और इन्हें होल के बारे में रेडियो शो से ही पता चला है। उन्होंने मेल से कहा कि अगर तुम मना किए शिफ्ट होने से, तब हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे और गवर्नमेंट को ये बता देंगे कि तुम मेथ ड्रग अपने घर में रखते हो, जो कि असल में वो नहीं रखता था। ये मेन इन ब्लैक उसे जस्ट फंसाना चाहते थे और इस होल से मेल को दूर ले जाना चाहते थे। और मेल ये भी जानता था कि कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, नहीं तो उसे सुनाई जरूर देता। पर तभी उन काले कोट वाले लोगों ने मेल से कहा कि हम तुम्हें $2.5 लाख यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए देंगे, तुम ये जगह
यहाँ ही नहीं बल्कि अमेरिका छोड़ के चले जाओ। उस टाइम मेल फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ऑस्ट्रेलिया चला गया। पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल रहने के बाद उसे होम सिकनेस होने लगी। होम सिकनेस कोई बीमारी नहीं है, बस एक टाइप का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसमें लोग जहाँ पर सालों से रहते आ रहे हैं वहीं उनको वापस जाने का मन करता है कहीं और शिफ्ट होने के बाद। तो वो कुछ सालों बाद साल 2000 में वो वापस अमेरिका आ गए अपनी फैमिली के साथ। उनके वाइफ और बच्चों को उन्होंने कैब बुक करके अपार्टमेंट में भेज दिया और उनसे कहा कि तुम लोग जाओ, मैं आ रहा हूँ। मेल को असल में अपनी पुरानी प्रॉपर्टी, वो होल वाली प्रॉपर्टी देखनी थी। वो बस से जाने लगे उसी प्रॉपर्टी के तरफ। जब वो बस में थे तभी अचानक उनको बेहोशी फील होने लगी और जब उन्हें होश आया तब उन्हें पता चला कि 12 दिन बीत गए और वो 12 दिन तक बेहोश थे। और जब वो हॉस्पिटल में उठे तब उन्हें ये पता चला कि गवर्नमेंट उसे एडमिट किए और उन्होंने देखा कि उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे घाव है, चोटे हैं और बर्न्ड स्किन है। और यहाँ तक डॉक्टर्स हॉस्पिटल में ज्यादा डिटेल देने से भी मना कर दिए कि उनके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। उसने तुरंत हॉस्पिटल से बाहर जाकर फोन किया अपने भतीजे को जो पासी में रहता था और सारी कहानी बताई। उसके बाद तुरंत वो अपने होल वाले प्रॉपर्टी में वापस गया जो कि उस हॉस्पिटल के 500 मीटर दूरी था और उन्होंने देखा कि उसका पुराना घर तो अब है ही नहीं। और वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि इस जगह को अब सीज कर दिया गया और अब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। इस चीज को देखकर मेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो बदला लेना चाहता था। उसने फिर वो कोस्ट टू कोस्ट एएम रेडियो को कांटेक्ट किया और सारी कहानी बता दी। और उस शो के होस्ट और मेल जब एक साथ उस होल के पास वाले गांव के लोगों से पूछे तो गांव के लोगों ने बताया कि जितने साल तुम यहाँ नहीं थे यहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स दिखाई देते थे, रोज जेट्स दिखाई देती थी और बहुत सारे गवर्नमेंट इक्विपमेंट्स उस होल के आसपास काम करती थी बहुत आवाज के साथ। तो उसके बाद तब इन सारी बातों को उन्होंने उस शो के एपिसोड 2 में बताया। उसके बाद मेल दुनिया भर में ऐसी और गड्ढों की तलाश में चले गए और दूर के गाँव में लकीली उन्हें और एक ऐसा गड्ढा मिला। और गड्ढे के पास जाकर उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो है चिल्लाना। उन्होंने चिल्लाया और येट अगेन नो एको, कोई एको नहीं आया। उनके प्रॉपर्टी में जो होल था ये बिल्कुल वैसा ही था। पहले वाले होल में तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही थी पर उस रेडियो का होस्ट और मेल दोनों मिलकर इस होल में जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्री था क्योंकि इस दूसरे होल के बारे में दुनिया नहीं जानती थी। इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया और रिजल्ट्स बहुत ज्यादा गजब थे। अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। एक लंबे वायर की मदद से इन्होंने एक बकरी को इसके अंदर भेजा और फिर वापस भी लाया। पर जैसे बकरी ऊपर आई वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। बाद में उन्होंने बकरी के अंदर के बॉडी पार्ट्स की जांच की और जांच करने के बाद उन्हें ये पता चला कि वो बकरी एक अजीब तरीके से अंदर से कुक्ड थी, मतलब उसके शरीर के अंदर का पार्ट काला हो गया था और जल गया था। पर ये आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऊपर से कुछ नहीं हुआ था उसे पर अंदर से कुक्ड, ये बहुत ही डिस्टर्ब और रहस्यमय था। ये तो बहुत ही अजीब था पर इसके बाद जो हुआ वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। उस बकरी के एक एरिया में दो मांस हिल रहे थे और जब उसे बाहर निकाला इन्होंने तब इन्होंने दो क्रिएचर्स देखा, दो ऐसे एलियन क्रिएचर्स जिस टाइप का आप मैन इन ब्लैक मूवीज में देखते हो, अजीब। वो दो क्रिएचर्स जस्ट इन दो लोगों को देख रहे थे, वो दो छोटे छोटे क्रिएचर्स जस्ट इन दो लोगों को देख रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, सिर्फ देख रहे थे, सिर्फ साइलेंटली देख रहे थे। और उस टाइम डर के मारे तुरंत इन्होंने उसे लात मारकर उस क्रिएचर को वापस होल में फेंक दिया। उस क्रिएचर के बारे में लोकल लोगों से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये एलियन क्रिएचर उन्हें इस होल के पास दिखता रहता है और लोगों के हिसाब से ये क्रिएचर लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। उन्होंने और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, वो जब एक बाल्टी में पानी रखकर अंदर भेजते थे तब वो ऊपर वापस आने के बाद एक बर्फ के फॉर्म में आता था। और सबसे दिमाग हिला देने वाली बात यह है कि वो आइस ठंडा नहीं बल्कि गर्म होता था। कैन यू इमेजिन दैट, आप बर्फ को छू रहे हो पर वो गर्म फील हो रहा है। बकरी का अंदर का पार्ट गर्मी के चलते जल जाना और मिस्टीरियसली ऊपर का पार्ट बच जाना और पानी ठंडे के चलते बर्फ में बदल गया और वो भी एब नॉर्मल बर्फ जो कि गर्म है। क्या हो रहा है इस होल के अंदर? लोकल लोगों ने ये भी कहा है कि उन्होंने ये नोटिस किया है कि रात के समय कभी कभी इस होल से ब्लू लाइट आती है जो कि डायरेक्टली आसमान के एक पर्टिकुलर तारे को पॉइंट करती है। क्या इस होल का एलियंस के साथ कोई कनेक्शन है? क्या ये होल एक वार्म होल है और मे बी ए मिस्टीरियस ब्लैक होल? मे बी। इन दोनों होल्स को आज के डेट में अभी इस साल गवर्नमेंट और सीक्रेट एजेंसीज हाइड करके रखी है
और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को मैप्स पर से और रियल लाइफ में भी डिसमिस कर दिया गया। इस घटना के बाद दुनिया भर में मेल जैसे लोग ये दावा करते आए हैं कि इस मेल्स होल की तरह दुनिया में ऐसे कई होल्स हैं जो कि सुपर नेचुरल है। दुनिया भर में ऐसे कई होल्स मौजूद हैं जिनका कनेक्शन किसी दूसरी दुनिया से है। पर बात यह है कि उस दो एलियन क्रिएचर वाले घटना के बाद वॉल्टर्स कभी वापस नहीं दिखा। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। और उस रेडियो शो का होस्ट भी उन होल्स के बारे में पब्लिक में फिर कभी बात नहीं किया। थ्योरीज के हिसाब से ये शायद कोई ऐसा होल है जो आज से नहीं बल्कि बहुत एंशियंट पीरियड से एग्जिस्ट करता आ रहा है और इसे शायद एंशियंट एलियंस ने क्रिएट किया था और ये मे बी उन्हीं का एक्सपेरिमेंट का नतीजा था। वीडियो को लाइक करना और सबके साथ खुलकर शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात कौन सी लगी। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके फैक्टेक्स के सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।